एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए गई हूँ एडवांस हेयर स्टाइल फॉर बिगनर्स। सो गाइस, मैं आप लोग को बता रही हूँ किस तरह से आप ये फेरी वाला हेयर स्टाइल कर सकते हो। बहुत ही इजी है, देखने में टफ लगता है बट बहुत इजी है। सो ये वाला हेयर स्टाइल आप कॉकटेल मेकअप, आप एंगेजमेंट मेकअप, आप पार्टी मेकअप, किसी भी लुक के साथ कर सकते हो। सो अगर आप इंटरेस्टेड है या फिर जानना चाहते हैं ये वाला हेयर स्टाइल मैंने कैसे किया, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्रिम्पिंग करना है टोटल हेयर में। सो फ्रंट वाले हेयर में आपको थोड़ा हैवी क्रिम्पिंग करना है एंड बैक में आपको लाइट करना है। मैं यहाँ पे VNG का यूज़ कर रही हूँ क्रिम्पिंग मशीन, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज, अभी जैसे कि मेरी क्लासेस चल रही है पार्लर में ऑफलाइन, सो ये वाला लुक ना मैंने अपने स्टूडेंट लोग को सिखाया था, स्मोकी आई करना एंड कॉकटेल लुक भी आप इसको बोल सकते हो। अगर आप थोड़ा आउटफिट हैवी वेयर कर लोगे ना, या फिर आपके पास अगर होगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत आउटफिट नहीं ना है गाइज, एंड मेरे साइज का तो मेरे मॉडल को फिट भी नहीं आएगा। सो मैंने सिंपल सा होता है ना वन पीस वेयर करवाया है, बट ये लुक आप कॉकटेल मेकअप के साथ भी दे सकते हो एंड ये वाला हेयर स्टाइल भी। सो ईयर टू ईयर में क्रिम्पिंग हो जाने के बाद बैक में आपको नीचे से एक सेक्शन लेना है, उसमें आपको इस तरह से बैक कॉम्बिंग करना है अपवर्ड। नेक्स्ट आपको कर्लिंग स्टार्ट करनी है। सो गाइज, यहाँ पे मैं आइकॉनिक का कलर का यूज़ कर रही हूँ, आपको ये सभी ले सकते हो। 22 mm इसका जो होता है ना, बता रही हूँ मैं, मॉडल नंबर है आइकॉनिक का, काफ़ी अच्छा कलर। इसके कर्ल्स बिल्कुल नहीं खुलते हैं। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं मैम हमारे कर्ल्स तो खुल जाते हैं, तो आप मेरी टेक्निक से करो, आप जिस तरह से मैं दिखाती हूँ उसी तरह से करना है। सो कर्ली कर देने के बाद मैं फिंगर की मदद से हल्का हल्का खोल रही हूँ एंड स्प्रे के लिए मैं आज स्टाफ्ट का स्प्रे यूज़ करूँगी, स्कॉफ का, काफ़ी अच्छा स्प्रे है, मैं नंबर 6 यूज़ कर रही हूँ, मैं आगे दिखाऊँगी आप लोगों को। सो इस तरह से अच्छे से आपको स्प्रे कर देना है, डन। नेक्स्ट आपको मैं फिर से दिखाती हूँ, इस तरह से हल्का स्ट्रेट कर लीजिएगा, इस तरह से क्लैंप होता है ना कलर का, उसको अपोजिट रखिएगा। नेक्स्ट इस तरह से धीरे धीरे हेयर को इसमें आपको घुमाते जाना एंड इस तरह से आपको पकड़ के खोलते जाना है, चारों तरफ आपको हिट लगाना है। गाइस, अगर आपको कर्ली करना नहीं आता है, तो मैंने 2 हफ्ते पहले एक डिटेल में वीडियो डाली है कर्ली की, तो आपको आई बटन ऊपर दिखता है ना, वहाँ पर मिल जाएगा एंड पिन कमेंट में दे दूंगी किस तरह से कर्ली करते डिटेल में, उस वीडियो को देख लीजिएगा ना, आपको ये वाला कर्ली समझ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छे से बैक कॉम्बिंग करना है, आपको नेक्स्ट क्या करना है, इस तरह से क्लैंप को अपोजिट करना है, हेयर को ट्विस्ट करना है एंड धीरे धीरे टोंग को ट्विस्ट करते जाना है एंड इस तरह से प्रेस करके उसमें हेयर को रोल करते जाना है। बेसिकली यही करना है, कर्ली करना बिल्कुल टफ नहीं होता है, 1-2 बार आपको सीखना पड़ेगा। तो अब तो मेरी सारी स्टूडेंट अच्छे से कर लेती है, मैंने उनको बहुत अच्छे से सिखा दिया है, तो आप भी मेरे स्टूडेंट ही हो तो आप लोग भी ध्यान से देखा करो, कुछ भी बताती हूँ। सो मुझे ज़रूर बताइएगा ये वाला हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इनका मेकअप लुक का वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो अच्छे से कर्ली हो रहा है 3 पोर्शन में, मतलब इस तरह से कर्ली हुआ है एकदम अच्छे से, आप देख सकते हो। तो बहुत इजी होता है कर्ली करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो अच्छे से आपको स्प्रे कर देना है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो इस तरह से ना आप हल्का हल्का खोल भी सकते हो कर्ली को एंड यहाँ पे स्प्रे यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट फिर से हल्का बैक कॉम्बिंग इस तरह से करना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, कर्ली करना है, इस तरह से क्लैंप को नीचे रखना है एंड धीरे धीरे इसमें हेयर को रोल करती जाना है। सो अगर आपको ये हेयर स्टाइल पसंद आया होगा, लास्ट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा या बीच में भी आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। सो धीरे धीरे कर्ली हो रहा है, आप देख सकते हो, अच्छे से कर्ली कीजिएगा, हर एक हेयर में हीट लगना चाहिए। ये सब हेयर स्टाइल में क्या होता है, कर्ली खोल जाएंगे ना लुक अच्छा नहीं आएगा, तो मेक श्योर आप एक अच्छा हेयर स्प्रे यूज़ करो, जैसे कि टाफ का हो गया, ग्लैड एक आता है, मैं भूल रही हूँ नाम, गिट्सबे इंजो का, ये सब बहुत हार्ड स्प्रे होते हैं, तो आपको हार्ड स्प्रे देना है ताकि होल्ड अच्छे से करे। सो डन, अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कौन सा स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से सब हेयर लेके मैं कर रही हूँ स्प्रे, अब मैं चलिए आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मैं कौन सा स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। तो जहाँ मैंने बैक कॉम्बिंग किया था ना, वहाँ पे भी आपको एक बार स्प्रे दे देना है, इससे क्या होता है बैक कॉम्बिंग फिक्स हो जाता है। तो ये रहा टाफ्ट का नंबर 6 है ये। सो आप देख सकते हो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल लग रहा है।
नेक्स्ट गाइज, आपको क्या करना है, इस तरह से डोनट या बन होता है ना उसको इस तरह सेंटर में लगाना है, ठीक है। एंड आपको बॉबी पिन लेना है या फिर जुड़ा पिन इस तरह से, एंड इस तरह से थोड़ा सा फंसाना है एंड अपोजिट करके टक कर देना है। समझ गए आप मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत इजी है, स्टाइल मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से देखोगे तभी आपको समझ आएगा। अच्छे से इस तरह से कर लेना है आप लोगों को। एंड यू पिन कैसे लगाया जाता है मैं दिखाती हूँ, इस तरह से करना है आप लोगों को एंड उसको क्या कीजिएगा, टर्न, बस हो गया। इस तरह से अच्छे से इसको कर लीजिएगा सिक्योर। नेक्स्ट फिर से एक सेक्शन लीजिएगा एंड कर लीजिएगा। इस बार क्या करना है आपको, हैवी बैक कॉमिंग करना है ताकि ये जो बन आपने लगाया ना वो थोड़ा सा छिप जाए। तो इस तरह से अच्छे से बैक कॉमिंग करना है आप लोगों को एंड अच्छे से स्प्रे का यूज़ करना है इस तरह से। नेक्स्ट गाइज, आपको फिर से कर्ली करना है। इस वार्ड हम क्या करेंगे, अंदर की ओर से कर्ल्स करेंगे, देखो इस तरह से, आप समझ गए। इस बार क्लैंप को ऊपर रखना है इस तरह से, बस अंदर की ओर, इसे हम इन वार्ड कर्ल बोलते, तब भी हम क्या कर रहे थे, आउट कर्ल्स कर रहे थे, ये है इन मीन्स अंदर की ओर, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, बहुत ईजी टेक्निक होता है कर्ली का, मैं बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से देखोगे ना तो ईजीली आपको समझ आ जाएगा। फिर आपको आराम से इसको खोल देना है, बस दूसरे तरफ भी हमें सेम यही मेथड फॉलो करना है, अंदर की ओर से इन वॉर्ड, समझ गए आप लोग। इस तरह से क्लैम खोलते जाना है आप लोगों को, टोंग को ट्विस्ट करना है, बस इस तरह से सारे हेयर को लेना है उसमें। इससे क्या होता है, हर एक हेयर में हीट अच्छे से लगता है, सो मेक श्योर आप डेफिनेटली घर पर ट्राई करना इस हेयर स्टाइल को, मेरी वीडियोज़ को देख के तुम उसको बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। डन। इसके बाद गाइज आप देख सकते हो हेयर काफ़ी फुलर लग रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा बाउंसी भी लग रहे हैं। सो डन, स्प्रे अच्छे से यूज़ कर लीजिएगा। नेक्स्ट गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ हेयर एक्सटेंशन, जो कि मैंने अमेजोन से परचेज़ किया, मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ मैंने कौन सा परचेज़ किया, आप यही वाला परचेज़ करना, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से हेयर एक्सटेंशन मैं लगा रही हूँ, इसको मैंने 1100 रुपीज़ में परचेज़ किया अमेजोन से, मैंने पिक्चर लगा दी, आप ले लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो इस तरह से इसको अच्छे से लगा देने के बाद आपको क्या करना है, बॉबी पिन की मदद से इसको थोड़ा सा टाइट कर देना है, कॉम्ब भी कर लेना है। ये कर्ली है, मैंने कर्ली वाला वर्जन मतलब लिया है, आप स्ट्रेट भी ले सकते हो। एंड हेयर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ऐसा लगता है कि रियल है। सो ये वाले हेयर स्टाइल में एक्सटेंशन का यूज़ आप करोगे ना तो लुक में चार चांद लग जाएगा। सो इस तरह से आपको बॉबी पिन को लगा देना है, इससे क्या होता है ये खुलेगा नहीं। नेक्स्ट फिर से आपको क्या करना है, अच्छे से करना है बैक कॉम्बिंग एंड आपको अच्छे से यहाँ पर नीट कर लेना है, बिल्कुल भी फ्रिजनेस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको फिर से वही मेथड फॉलो करना है, इस तरह से इन कर्ल्स करने हैं। तो ध्यान से देखो आप यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। सो गाइज डोंट वरी, हमारा जो एक्सटेंशन एंड रियल हेयर दोनों मर्ज हो जाएगा आगे जाके, आप देखोगे तो अच्छे से स्प्रे कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको फ्रंट में आना है, तो ईयर टू ईयर वाले हेयर में थोड़ा हैवी क्रिम्पिंग किया गया है, तो आपको थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं, दोनों साइड से इक्वल और बराबर लीजिएगा और बैक कॉमिंग अच्छे से कीजिएगा। इस तरह से बैक कॉमिंग अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, स्प्रे का यूज़ कर लेना है। मैंने आज स्ट्राफ्ट का यूज़ किया, काफ़ी अच्छा मुझे लगा, मैंने फर्स्ट टाइम परचेज किया था, मैंने बहुत सारे देखा था मतलब मेकअप आर्टिस्ट को यूज़ करते हुए इंस्टाग्राम पे, तो मुझे भी मन कर रहा था कि मैं एक बार ट्राई करूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी होल्डिंग पावर काफ़ी अच्छी है, अगर आप लाइन्स वाला हेयर स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। सो अच्छे से बैक कॉम्बिंग करना है आप लोगों को इस तरह से एंड अच्छे से आपको स्प्रे का यूज़ कर लेना है। आई थिंक आपको इजी लग रहा होगा हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल में आपको पेशेंस चाहिए, ये हेयर स्टाइल करने में आपको 1.5 घंटे आराम से लग जाएंगे, सो पेशेंस के साथ ही काम कीजिएगा। तो अच्छे से हो जाने के बाद एक बार ऊपर से स्प्रे कर दीजिएगा। नेक्स्ट गाइज आपको क्या करना है, इस तरह से रबर में बॉबी पिन मैंने लगा लिया है एंड अब मैं क्या करूँगी, इसको पोनी कर दूँगी इस तरह से, बस आप इस तरह से कर लेना। इसके बाद आप इसको भी अच्छे से सिक्योर कर दीजिएगा ताकि ये खुले नहीं। नेक्स्ट क्या
करना है आप लोगों को कॉम की, पीछे वाले पॉइंट से इस तरह से हल्का हल्का फुलर लुक दे देना है। नेक्स्ट आपको थोड़ा थोड़ा हेयर लेना है फ्रंट से, बॉक्स सेक्शन डिवाइड करके स्प्रे का यूज़ करना है। अच्छे से बैक कॉम्बिंग कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा पफ मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। सो कर देने के बाद आपको स्प्रे ऊपर से दे देना है। नेक्स्ट आपको कॉम लेना है इस तरह की, अमेजोन पे ये भी मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, लाइंस इजीली बन जाता है इस कॉम की मदद से, सो बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इस तरह से आपको पफ क्रिएट कर लेना है, बहुत ज़्यादा पफ मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। बस इस तरह से आपको लाइंस वाला हेयर स्टाइल दे देना है एंड बॉबी पिन की मदद से दोनों तरफ से टक कर देना है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। एंड हल्का हल्का पुलिंग मेथड से, मतलब फिंगर टिप होता है ना, उसकी मदद से पुल कर दीजिएगा, इससे फुलर लुक आ जाएगा। डन। इसमें आपको कोई भी ज़रूरी नहीं एक्स्ट्रा कुछ भी लगाने का। नेक्स्ट आपको साइड वाले हेयर को करना है, थोड़े से हेयर निकाल देने हैं, हम उसको कर्ल्स करेंगे। हल्का बैक कॉम्बिंग स्प्रे अच्छे से यूज़ कर लीजिएगा, फिर से स्प्रे कर दीजिएगा फ्रंट से एंड लाइंस क्रिएट कर दीजिएगा कॉम की मदद से इस तरह से। आई थिंक आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, नहीं समझ आ रहा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो इस तरह से कर देने के बाद आपको फिंगर की मदद से इस तरह से लाइंस क्रिएट कर लेना है। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, इसको भी अच्छे से टक कर देना है बॉबी पिन की मदद से, ओवरलैप कर दीजिएगा, कुछ भी डिस्टेंस मत छोड़िएगा, अच्छा नहीं लगेगा। दोनों साइड से सेम यही मेथड फॉलो करना है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, समझे हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। एंड यहाँ पे भी आपको लगा देना है बॉबी पिन, क्रिस क्रॉस करके बॉबी पिन का यूज़ कीजिएगा। बॉबी पिन बहुत ज़्यादा टाइट होता है तो बहुत अच्छे से होल्ड करता है हेयर को। डन। नेक्स्ट इस तरह से मैंने एक स्टफिंग को रखा है अंदर में, जहाँ हमने पोनिंग किया था ना उसके जस्ट नीचे आपको रख देना है। नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों को, हल्का हल्का लाइंस क्रिएट करना है, स्प्रे कर देना इस तरह से एंड ये वाले हेयर में आपको कर्ल्स करने हैं। सो डन हमारा हेयर स्टाइल। सो गाइज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा ये वाला हेयर स्टाइल। ईजी लगा ना, बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, देखने में टफ लगता है तो मुझसे ना थोड़ा सा कर्ली गड़बड़ हो रहा था, तो मैंने दो बार किया, आप देख सकते हो। ये मैं बोल रही थी कि टफ लग रहा था देखने में, बट बिल्कुल इजी है, शॉर्ट हेयर में भी आप कर सकते हो, बस आपको एक्सटेंशन परचेस करना होगा। सो मैंने जो एक्सटेंशन परचेस किया है ना, वो बहुत रियल लगते हैं, मैंने आपको पिक्चर भी लगा दिया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी, इनकेस अगर आप लेना चाहते हो तो आप आराम से ले सकते हो। सो मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं नए साल में मुझे बताइएगा। आजकल मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मतलब मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन मुझे पार्लर में देना होता है क्लासेस के लिए, फिर आप लोग के लिए वीडियो शूट कर मतलब वीडियो शूट करती हूँ अलग से, फिर वॉइस ओवर करती हूँ, वीडियो अपलोड करती हूँ, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। सो अच्छे से कर्ल्स हो जाने के बाद आपको इस तरह से जहाँ पे आपने बॉय पिन को लगाया था वहाँ पे टियारा सेट कर दीजिएगा, इस तरह का मेरे पास अभी अवेलेबल था, पीछे में एक बार स्प्रे कर दीजिएगा। डन 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 हमारा हेयर स्टाइल हो गया है। उसके बाद आपको फ्रंट वाले हेयर जो अपने फ्लिक्स को छोड़े थे उसको भी कर्ल्स कर दीजिएगा। सो गाइज हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कैसा लग रहा है, प्रिंसेस जैसा लग रहा है ना ये वाला हेयर स्टाइल, फेरी, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई थिंक आपको भी ज़रूर अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, हेल्पफुल थोड़ा सा भी लगा है ना, 10% भी, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरे एफर्ट के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कितनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ। सो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इनके मेकअप की वीडियो आप देखना चाहते हो तो मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर और डेफिनेटली बताइएगा, मैं आपके लिए मेकअप की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी अगर आप मुझे कमेंट करोगे। सो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक फॉलो कर लीजिएगा अगर आप मेरी वीडियोज़ को देख के ये वाला लुक क्रिएट करते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, मैं बाय एंड टेक केयर।